नमस्कार। आज मैं बता रही हूँ कि घर में किशमिश बनाकर कैसे स्टोर किया जाता है। तो ये मैंने किशमिश अंगूर ले लिया है, इसको धो लिया है और धोकर मैंने रखा है। ये 250 ग्राम मैंने लिया है। तो ये देखिए, मैंने पिछले साल मैंने बनाया था किशमिश, वही किशमिश है। देखिए, सूख कर मैंने सुखा कर रख लिया था स्टोर करके। तो देखिए, साल 1.5 साल तक आप चला सकते हैं। ऐसे मार्केट में किशमिश खरीदने चाहिए तो बहुत महंगी देती है, तो अभी अंगूर सस्ता है और आप बना के स्टोर करके आप सालों तक रख सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे किशमिश बना कर स्टोर करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे, 1 गिलास और डालेंगे पानी। इसको गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं, तब इसमें हम किशमिश को डालेंगे। ये हमारा पानी में गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अंगूर को हम डाल देते हैं। इसको हम 2 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको हम ढक देते हैं बॉयल होने के लिए। 2 मिनट तक इसको हम हल्का बॉयल कर लेंगे, तब इसको हम छान लेंगे। ये अंगूर का कलर चेंज हो रहा है, हल्का हल्का देखिए कलर चेंज हो रहा है। इसको हम और थोड़ा बॉयल कर लेते हैं। ये मैंने छलनी ले लिया है और हमारा ये अंगूर बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी डाल देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाएगी, तब तो हम इसको धूप में डालेंगे सूखने के लिए। अब मैंने एक पेपर ले लिया है, इसको मैंने बिछा दिया था। इस तरह से मैं फैला लेती हूँ, इसको धूप में ला के रख देती हूँ। ये 2 दिन में ये सूख कर किशमिश बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, किशमिश हमारा बनकर घर में बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना सूख कर तैयार हुआ है। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।